चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नोमैड एएसआर पर। अभी हम खड़े हैं कोसी नदी के डैम पर, यानी कि कोसी बराज पर, जो नेपाल में स्थित है। अभी यहाँ का जलस्तर काफी बढ़ा पड़ा है, इतना कि अभी पर डे कई लाख क्यूसेक पानी यहाँ से डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। तो अब दिखाएंगे हम आपको कोसी बैरेज और अभी का जो सिचुएशन है यहाँ का पानी का। इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं बैरेज के ऊपर और अभी आपको दिखाते हैं जिस साइड फाटक है उस साइड से, ये 8 नंबर पिलर है, यहाँ 8 नंबर फाटक से ही सारा फाटक खुला हुआ है। इधर मतलब टोटल फाटक नहीं खुला हुआ है, कुछ बंद है, बाकी उधर जितना है सब बंद है, क्योंकि पानी की वेग उधर से आती है तो इस वजह से उधर बंद रखा गया कि ज़्यादा उधर प्रेशर न बने। और इधर इसलिए खोला जाता है इस साइड कि वो उधर से लग के जब पानी आएगी तो वो आराम से इधर से निकल सके। इतनी बारिश हुई है कि पानी एकदम भरी पड़ी है। आप देखिए इस बार पानी का वेग, आप देख सकते हैं कि कितनी वेग है पानी में। इस पुल से नेपाल का तो कोई नुकसान नहीं है, हाँ, लेकिन अगर ये पुल कभी भविष्य में टूटती है, या अभी टूटे या भविष्य में टूटे, कभी भी अगर ये टूटती है तो सबसे ज्यादा नुकसान बिहार को झेलना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का ही शोक माना जाता है कोसी को। और जैसे ही ये टूटेगी पूरे बिहार को बर्बाद कर देगी। ऐसे भी नेपाल सरकार अब एक और कोसी डैम बना चुकी है, उसको ज्यादा फर्क इस डैम के टूटने से नहीं पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा अगर किसी को फर्क पड़ेगा तो वो बिहार है। 60 से 65 साल पहले लगभग इंडियन गवर्नमेंट ने इस डैम का निर्माण करवाया था। पर डे लाखों की क्यूसेक पानी यहां से डिस्चार्ज किया जा रहा है। बिहार की नदियां उफान पर है, अभी भी यहां से डिस्चार्ज होकर पानी सबसे पहले सुपौल जिला पहुंचता है बिहार के। यहां पे कई गांव ऐसे हैं जो अब डूब चुके हैं, लगातार न्यूज आ रही है। और इस मानसून के सीजन में अक्सर यह सुनने को हर साल मिलता है, ऐसा कुछ नया नहीं है। फिर भी आप पानी का वेग देखिए, मैं आपको करंट सिचुएशन दिखा रहा हूँ बैरेज की। उधर से ही पानी आती है जो डायरेक्ट पहाड़ों से निकलकर यहाँ आती है और इधर को जाती है, यानी कि इधर बिहार, इधर नेपाल, और ये भी नेपाल में ही है, नेपाल गवर्नमेंट के अंदर में ही ये पुल है। लोगों की काफी अच्छी खासी यहाँ भीड़ रहती है देखने को। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पानी बह रही है, देखिए पानी का बहाव उफान पे है एकदम कोसी। अभी देखिए पानी की वेग, कैसे पानी निकल रही है, एकदम लहर मार रही है पानी की। जब हम पानी में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये पूरा पुल हमें साथ लेके जा रहा हो पानी के। इतनी पानी है यहाँ, गहराई उतनी ही ज्यादा है पानी की। यहाँ पर बैरेज की जितनी कैपेसिटी है बैरेज उतनी पानी अपने पास रखता है, बाकी का सारा पानी बैरेज बिहार में डिस्चार्ज कर देता है। पानी की ये लहरें देख रहे होंगे आप, कितनी खतरनाक है ये लहरें, देख कर ही डर लग रहा है। अभी तो फिर भी यहाँ सारे फाटक नहीं खुले हुए हैं, नहीं तो सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि यहाँ पर 56 के 56 फाटक यूं ही खोल दिए जाते हैं। बहुत ही डरावना मंजर है यहाँ का, दूर दूर तक पानी फैली हुई है एकदम, देख रहे हैं दोनों साइड आपको कहीं अंत नहीं दिख रहा है पानी का। 9 नंबर फाटक से लेकर 20 नंबर फाटक तक सारा फाटक खुला हुआ है। मैं इस वक्त आ चुका हूँ 27 नंबर पिलर के पास और आप देखिए कि यहाँ का भी गेट खुला हुआ है। यहाँ का जो फाटक है वो एक नहीं, यहाँ दो दो फाटक खुला पड़ा है। आप देखिए एक इधर है और एक इधर फाटक खुला हुआ है। और यहाँ भी कुछ लोग हैं जो लकड़ी पकड़ने के लिए यहाँ खड़े हैं और अपना भाला लिए खड़े हैं। अभी देखिए, ये देखिए इन लोगों ने किस तरीके से पकड़ा लकड़ी को, कितना अच्छा निशाना था इनका, कितनी वेग में भी इन्होंने लकड़ी को बहुत ही आसानी से पकड़ लिया है। मैं इस वक्त आ चुका हूँ पिलर नंबर 40 के पास। यहाँ से 40, 41, 42 और 43, यानी कि कुल मिला के 17 फाटक यहाँ खुले हुए हैं। कितनी ज्यादा संख्या में लोगों ने यहाँ लकड़ी जमा कर रखी है। और केवल यही नहीं, आप देख सकते हैं कि उधर चारों तरफ ये लोग, इन लोगों ने लकड़ी जमा कर रखी है डैम के ऊपर। ये जो खाली जगह देख रहे हैं आप, इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ का जो फाटक है वो बंद है, लेकिन यही जो यहाँ उठा हुआ है इसका मतलब ये फाटक खोल दिया गया है, तभी यहाँ से पानी निकल रही है। चलिए एक बार कोशिश करते हैं आपको इस फाटक के उस पार की वीडियो दिखाने की। तो जरा हम अभी यहाँ चढ़ते हैं इस पर और तब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे उस पार। यहाँ भी बच्चे चढ़े पड़े हैं यार, इन्हें तो यहाँ भी डर नहीं हो रहा है।
मैं 52 नंबर फाटक के पास खड़ा हूँ और ये रहा वहाँ एंडिंग पोजीशन है फाटक का। कुल 56 फाटक यहाँ पे हो जाते हैं। ठंडी पानी है यहाँ पर यार। और ये बना हुआ है इंजीनियर्स को आने के लिए, हमारे आने के लिए तो है नहीं, फिर भी हम लोग यहाँ नीचे उतर के देखने आए थे। चलते हैं अब यहाँ से ऊपर। इधर जितना भी फाटक आप देख रहे हैं सारा बंद है और उधर जो है इन 1, 2 और 3 को छोड़ के बाकी वहाँ से 9 नंबर फाटक स्टार्ट होता है तो वो उधर से खुला हुआ है, तो उधर सारे फाटक खुले हुए हैं। और यहाँ भी एक बना हुआ है जो ये नीचे जाने के लिए है, फील कर सकते हैं इस चीज को यहाँ खड़े रह के एकदम। अभी जस्ट पानी नहीं था, अभी हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पानी नहीं है, अभी जस्ट देख लीजिए कितनी पानी यहाँ आ चुकी है। इसका मतलब पानी का लेवल बढ़ा है तभी पानी इस पे आया है। चलते हैं अब यहाँ से, भी काफी वेग है यहाँ पानी की और काफी वक्त भी हो चुका है, दोपहर का वक्त है और उतनी ही चिलचिलाती हुई यहाँ धूप है और इस धूप में गर्मी से हमारा हालत खराब हो गया, तो अब हमें यहाँ रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं।